वेलकम बैक टू किरण व्लॉग्स एंड आज हम करने वाले हैं रिव्यू अबाउट मामा अर्थ टी ट्री हेयर मास्क जो कि हमने मंगाया था फ्लिपकार्ट से और वो आज अराइव हो गया था हमें. सो वी आर सो हैप्पी. सो ये टी ट्री हेयर मास्क है जो मैंने मंगाया एंड ये है इची और डैंडर फ्री स्कैल्प के लिए और इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी आई थी. वो बॉक्स तो हमने आते ही फेंक दिया था, सैनिटाइज करके जल्दी से, फिर कितनी देर तो हमने बाहर रख दिया था. तो यस, दिस इज फॉर डैंड्रफ और इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है हम आपको बता देते हैं. तो इसमें टी ट्री आर्गन एंड लेमन ऑयल है और ये फॉर डैंड्रफ एंड इची स्कैल्प है. इसे आप स्कैल्प और अपनी हेयर लेंथ पे लगा सकते हैं. जैसे देख रहे हो मेरे कितने ज्यादा फ्रिजी बाल हैं. हाँ, स्कैल्प में भी लगा सकते हैं क्योंकि कई इतने हेयर मास्क होते हैं कि कई लोग कहते हैं कि स्कैल्प में नहीं लगाओ, लेकिन स्कैल्प में आप लगा सकते हो और बहुत इसका स्मेल भी बहुत बढ़िया है. बहुत कैसे कहते हैं, लेमन की खुशबू, लेमन के ऑयल की, एसेंशियल ऑयल की. तो ये इस मामा अर्थ का मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये नेचुरल होता है, ये पैराबिन फ्री होता है, SLS फ्री होता है और कोई भी हाइपो एलर्जिक लोगों के लिए, यानी कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है कि आपको कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं रहता. अब हम इसको खोल के देखते हैं कि एक्चुअली में ये मामा अर्थ का प्रोडक्ट कैसा है. तो ये एक्साइटेड है तो आज हम दोनों ने बाल धो लिए हैं और हम आज नहीं, मैंने नहीं बाल धोए, मेरे तो 3-4 दिन पहले जो धुले हुए हैं. तो मैंने आज धोए थे और मैंने बनाना हेयर मास्क वगैरह मैं ऐसे करती रहती हूँ. तो मुझे मेरे ड्राई बालों के लिए ये मास्क मैंने बहुत सुना यूट्यूबर से कि अच्छा है तो इसलिए मैंने सोचा कि वाई नॉट ट्राई इट. तो ये देखिए मैं थोड़ा आगे खा बोता है. तो ये ऐसा एकदम व्हाइट क्रीमिश इसका टेक्सचर है, ठीक है. इसका स्मेल भी मजा आ रहा है और ये इसका प्राइस 599 रुपीस था लेकिन हमको 575 में पड़ा. 25% कम हुआ मतलब. पर लेकिन अभी हम देखेंगे, एक बार में तो पता नहीं चलता है कि क्या रिजल्ट आता है, लेकिन इसको अगर आप वीक में, चलो महंगा है तो एक बार ही लगाओ, तो 3 बार लगाओ, देन यू विल कम टू नो द रिजल्ट. हम भी आज से स्टार्ट कर रहे हैं, एवरी वीक में वंस इन अ वाइल हम करके देखेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या आता है और धीरे धीरे शेयर करेंगे. तो चलिए अब मैं जल्दी से ये कर लेती हूँ एंड फिर बात करती हूँ आप लोगों से. फाइनल रिजल्ट एंड मेरे जो कर्ल्स है वो काफी स्मूथ लग रहे हैं और बहुत सॉफ्ट हो गए हैं. मेरी बेटी के बाल बहुत सॉफ्ट हो गए हैं. नहीं, पर मुझे ज्यादा ये रिजल्ट मेरी मॉम के बालों पे अच्छे लगे. आप देख सकते हो मेरी मॉम के बाल कितने स्ट्रेट एंड स्ट्रेट हो जाते हैं और शाइनी भी काफी हो जाते हैं, पर एक एप्लीकेशन से आपको इतना फर्क नहीं लगेगा. धीरे धीरे आप वीक में 1-2 बार करोगे तब जाके असर लगेगा. हाँ, ये तो है कि जितना ख्याल रखोगे नेचुरल प्रोडक्ट का, लगा भी रहो. ऐसे लिखा भी है कि इसमें अगर आपके पास डैंड्रफ है तो दही लगाओ, लेमन और कोकोनट ऑयल मिलाकर करो. मेरी मॉम के बाल मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं. मम्मी आप ऐसे आगे आके दिखाओ अपने बाल थोड़ा सा, मतलब मेरी मॉम के बाल एकदम स्ट्रेट एंड मतलब ऐसे स्मूथ ज्यादा लग रहे हैं कंपेयर टू माय हेयर, क्योंकि मेरी मॉम के वैसे भी मेरी से ज्यादा अच्छे हैं. मतलब वैसे भी क्या, ये मैंने नेचुरल प्रोडक्ट, सच बताऊं बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट किए हैं जो दिखाते हैं ना DIY, मैं करती रहती हूँ. आज भी सुबह मैंने बनाना लगा दिया, मतलब सड़ा हुआ बनाना कोई भी हो और हनी लगा दो, बस कुछ ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ. तो
तो ये भी हमने मंगाया था, दैट इज 200 में दो काजल, इसमें से मैंने निकाल दिया है ये कोलोसल काजल है और मैं आपको ये लगा के दिखाऊंगी। तो यस, अब मैं इसको आईज पे भी लगा के दिखाऊंगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा कि हमने फ्लिपकार्ट से क्या शॉपिंग की है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्रिम ब्लॉग।